हरे कृष्णा। एक बार फिर युग अवतार श्रीमान गौरांग महा और आया है एक और वर्ष गौर पूर्णिमा मनाने का। जैसे हम एक दफा बोल रहे थे कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं तो एक नया जन्म हमें प्राप्त होता है। जैसे जब गुरु दीक्षा देते हैं तो वो आध्यात्मिक रूप से हमें एक नया जन्म देते हैं। तो ये जो हमें शारीरिक जन्म प्राप्त हुआ, हम इसका मूल्यांकन करते हैं कि इस शरीर ने कितने मौसम देखे। बोलते भी हैं, कई ऐसे कहावत भी होती है कि भाई ये बाल हमारे धूप में सफ़ेद नहीं हुए, बहुत से मौसम, बहुत से ग्रीष्म, शीत ऋतुएं इन हमारे पूरे शरीर ने देखे हैं, इंद्रियों ने देखे हैं। गुरु के हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण में आते हैं तो हमारे जीवन का मूल्य अष्टमी राधाष्टमी गौरी माता देखी और वास्तविक रूप में उन्हें हमने मनाया, उनके कृपा प्राप्त करी। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज हमारे गुरु परंपरा के बहुत ही आदरणीय जो गुरु हुए, उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में और उनके अवतार के विषय में हम सबको कहा, एक प्रकार से उनका आदेश। उन्होंने कहा कि भगवान के विभिन्न अवतार हैं, अलग अलग युगों में भगवान अवतार लेते हैं और वो सारे भगवान के अवतार वो हमारे लिए आदरणीय हैं, हमारे आराध्य हैं। परंतु खास तौर पर हम जो कलयुग में जन्मे हैं तो हमारे लिए जो युगावतार हैं कलयुग के, वो हमारे लिए परम आराध्य, हमारे आदरणीय होने चाहिए। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई किसी देश का नागरिक होगा तो वो अन्य देशों के जो राजा हैं उनका आदर सत्कार करेगा और करना भी चाहिए। जैसे अभी अमेरिका के राष्ट्रपति आए भारत में तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उनका सत्कार किया जाता है। जो भी इस प्रकार का राजा किसी देश का आता है हमारे देश में तो उसका आदर सत्कार होता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। परंतु वो वापस अपने देश लौटने के पश्चात नागरिक जो उनके, जैसे हम भारतीय हैं तो हमारी वफादारी लॉयल्टी किसके प्रति, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं, हमारी वफादारी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनके प्रति होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से जो बाकी युगों के अवतार हैं इनके अनुसार वो अन्य देशों के राजा हैं और उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलना चाहिए, उनको उनका सत्कार, उनका मान सम्मान सब कुछ उनको मिलना चाहिए। परंतु हमारी वफादारी लॉयल्टी जब हमको पर्सनली पूछा जाए तो वो किसके प्रति होनी चाहिए, वो हमारे इस युग के युग पुरुष, युग अवतार, इस युग के राजा श्रीमान गौरांग महाप्रभु के प्रति होनी चाहिए। तो मैं जब हाल ही में यूके में था तो एक घर में मैं जहां रुका था तो उनके 9 वर्षीय बालक का जन्मदिन था तो बहुत उत्साही था वो। कुछ हफ्तों से तैयारियां चल रही थी उसके जन्मदिन की और
जिस दिन उसका जन्मदिन उस दिन पार्टी थी, बहुत से उसके मित्र इत्यादि वो सब, और उन उसका खास एंटिसिपेशन अट्रैक्शन उसके प्रति था, और जो गिफ्ट्स उसके लिए लोग लाएंगे। और होता ऐसा है कि वो पार्टी में सब लोग गिफ्ट्स लाते हैं और वो बहुत सुनहरे रैपिंग में होता है, और उस समय तो तुम उसे खोलते नहीं कि इतने सारे गिफ्ट हैं। तो वो उत्सुकता में था कि कब ये लोग सब जाएं तो मैं ये सारे बर्थडे गिफ्ट्स को खोल कर चेक करूं क्या क्या आया है मेरे लिए। तो मैं उस पूरे पार्टी को ऑब्जर्व कर रहा था। उसकी पार्टी हुई, उसके पश्चात फिर समय आया कि सब गिफ्ट सब खोलना है। तो एक एक कर कर अपने माँ के साथ बैठकर वो सारे गिफ्ट्स खोल रहा था। तो किसी में खिलौने, किसी के अंदर उसको कुछ उसके पढ़ाई के लिए कुछ पेन्स और नोटबुक्स, ऐसे अलग अलग गिफ्ट्स उसे मिले, चॉकलेट्स इत्यादि। तो मैं देख रहा था बहुत से जो गिफ्ट्स थे, इस बच्चे की जो माँ थी वो मदद कर रही थी खोलने में, उस गिफ्ट्स को खोलने में। और फिर कई ऐसे खिलौने थे जो मार्केट में एकदम नए थे, तो जो माँ थी वो मदद कर रही थी उस बताने के लिए कि ये खिलौने कैसे खेले जाते हैं, इसको असेंबल कैसे किया जाता है। कुछ पजल्स थे, तो माँ की तरफ से कुछ गिफ्ट नहीं था, लेकिन वो पूरा बच्चा एब्जॉर्ब्ड था जो इतने सारे दूसरे गिफ्ट्स आए थे उनको चेक करने में। लेकिन वो उनको चेक भी कर पा रहा था अपने माँ की सहायता से। तो मैं इसके विषय में सोच रहा था कि हमारी भी स्थिति वैसी ही है कि जो अन्य अवतार हैं भगवान के, वो बहुत आकर्षक हैं इन गिफ्ट्स के समान, परंतु ये सारे अन्य अवतारों का इंट्रोडक्शन हमें हमारे युग अवतार देते हैं। जैसे कि इस बालक को वो सारे गिफ्ट्स के विषय में किसने कौन सा गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट यदि वो कोई खिलौना है, कोई पजल है, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ। तो मैं इसके विषय में सोच रहा था कि उस माँ ने उस बच्चे को क्या गिफ्ट दिया, अपने आप को दिया, और उसे अन्य गिफ्ट्स की वैल्यू क्या है बताई। तो महाप्रभु वो उस माँ के समान है हमारे लिए, कि जन्माष्टमी कैसे मनानी है, राधाष्टमी कैसे मनानी है, रामनवमी कैसे मनानी है, उस माँ के समान वो हमें सिखाते हैं। और यदि हम इनसे पूछें कि इन्होंने क्या दिया है, तो इन्होंने अपने आप को इस हरिनाम के रूप में हमेशा के लिए उपलब्ध करा कर दिया है हमें। तो ये केवल शुरुआत है इनके कृपा की। तो मैं पढ़ रहा था भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा, ये बहुत सुंदर पुस्तक है, श्री नवद्वीप धाम महात्म्य। और इस पुस्तक में भक्ति विनोद ठाकुर वो चैतन्य महाप्रभु के जो विभिन्न कारण हैं अवतार लेने के, उसके विषय में, और खास तौर पर हम लोग जो कलयुग में जन्मे हैं, हमारे लिए भगवान जो अवतरित हुए हैं युग अवतार के रूप में, तो हमारा दृष्टिकोण या हमारा अप्रोच इनके प्रति किस प्रकार का होना चाहिए। तो वो एक चेतावनी देते हैं, और वो चेतावनी देते हैं भगवान शिवजी के त्रिशूल का उल्लेख करते हुए, कि भगवान के जितने भी अवतार, उन सभी अवतारों में भगवान शिव जी का बहुत प्रमुख रोल रहता है। धामेश्वर महादेव उनको कहते हैं। तो शिव जी
का ये जो शस्त्र है त्रिशूल, तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं अपनी इस पुस्तक में कि इसके जो तीन शूल हैं वो तीन प्रकार के लोगों के लिए हैं इस कलयुग में, जो चैतन्य महाप्रभु के अवतार पर डाउट करते हैं, क्योंकि छन्न अवतार है, कवर्ड इनकार्नेशन है, इसलिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है किसी को भी चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान है कि नहीं इस पर डाउट करने पर। तो वो कहते हैं कि ये जो शिवजी का त्रिशूल है, इसका पहला शूल उसके छाती में त्रिशूल डालते हैं शिवजी, जो संशय करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वो कंबाइंड इनकार्नेशन है राधा और कृष्ण के। ऐसे कई हैं जो इसे मानते नहीं कि ये कैसे संभव है, राधा और कृष्ण एक स्वरूप के अंदर, ये संभव नहीं। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो इस प्रकार का संशय रखते हैं उनके लिए शिवजी के त्रिशूल का ये पहला शूल प्रहार करता है। इसके पश्चात कोई मान ले कि चलो चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, मान लिया, परंतु फिर वो डाउट करता है कि हो सकता है कि वो संपूर्ण अवतार न हो या उनके अंदर युगावतार बनने की काबिलियत न हो। तो जब कोई इस प्रकार का संशय करता है तो दूसरा जो शूल है शिवजी के त्रिशूल का वो प्रहार करता है। और भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि जो तीसरा अंतिम शूल है वो उन संशयात्मा के ऊपर प्रहार करता है जो संशय करते हैं कि श्री नवद्वीप धाम और श्री नवद्वीप धाम की लीलाएं और श्री वृंदावन धाम और श्री वृंदावन धाम की लीलाएं वो अलग हैं, वो भिन्न हैं। उनके अंदर जो भिन्नता देखता है तो जो तीसरा शूल है भगवान शिव जी के त्रिशूल का वो इस व्यक्ति के ऊपर प्रहार करता है। श्रद्धावान जन हे, श्रद्धावान जन हे, प्रभुर आज्ञाए मागी ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। यही नित्यानंद प्रभु मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? श्रद्धा, कि और कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल एक योग्यता तुम्हारी ओर से, बद्ध जीवों की ओर से वो चाहते हैं, और वो क्या है? श्रद्धावान बन जाओ, कि श्री गौरांग महाप्रभु के इस अवतार के ऊपर श्रद्धा रखो और वो जो सिखाने आए हैं बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये भिक्षा मांग रहे हैं नित्यानंद प्रभु। किस चीज की भिक्षा मांग रहे हैं? श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। तो आज हम हमारे चर्चा को प्रारंभ करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अलग अलग युगों में, खासतौर पर यहाँ इस कलयुग में अवतार क्यों लेते हैं। तो जैसे भगवद गीता में जो प्रसिद्ध श्लोक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो यदि कोई कहे कि इस श्लोक के अनुसार भगवान दुष्टों का संहार करने आते हैं, तो यहां हमारे आचार्य गण जो रसिक आचार्य हैं वो इस श्लोक, ये चौथे अध्याय के इस श्लोक के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या प्रश्न चिन्ह है? कि अरे दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान को स्वयं आने की क्या जरूरत है? ये बात इन आचार्यों को, रसिक आचार्यों को पचती नहीं।
वो कहते हैं कि कोरोना वायरस काफी है, इस संसार में यदि सब मामला ठीक करना है, तमाम करना है किन लोगों का, तो भगवान की सृष्टि काफी है, प्रकृति काफी है, ये प्रकृति संभाल लेगी, तो भगवान को क्यों आने की जरूरत है। क्रॉस कर दिया इसको, नहीं ये बात जमी नहीं। फिर भगवान जब बोल दिए कि धर्म की स्थापना करने के लिए, तब तीसरे स्कंद में ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य अनुग्रहायैव हि चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। सो इस सुंदर श्लोक में कहा गया है, जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात्, जो भगवान श्री कृष्ण से विमुख हो गए हैं, जो अधर्मी बन गए हैं, और विमुख होने के वजह से, अधर्मी होने के वजह से सुदुखितस्य, केवल दुख में नहीं सुदुखितस्य, उनका उद्धार करने के लिए, ऐसे गिरे हुए पतित जीवों का उद्धार करने के लिए अनुग्रहाय वही चरंती नूनम, भगवान के प्रतिनिधि जो चरंती घूमते फिरते रहते हैं वही काफी हैं, भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। तो इस श्लोक को कोट करते हुए आचार्य कहते हैं कि इस श्लोक के अनुसार धर्म की स्थापना करने के लिए भी भगवान को स्वयं आने की जरूरत नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि चरंती नूनम भूतानि भव्यानि वही काफी हैं। तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया। फिर भगवान कहते हैं, अरे भाई साधुओं की रक्षा करने के लिए तो मुझे आना होगा। तो ये आचार्य पूछते हैं प्रश्न कि जो प्रामाणिक साधु हैं वो तो आपके भजन में इतना निमग्न हैं कि उन्हें आप स्वयं आकर उनकी रक्षा करो इसकी आवश्यकता नहीं है, आपका भजन ही उनकी रक्षा कर देता है। जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज ने भगवान को पुकारा नहीं, वो तो भगवान का भजन कर रहे थे, जब भी कोई विपदा आई वो भगवान का नाम स्मरण किए, भगवान पर ध्यान किए और उनकी रक्षा होती गई होती गई होती गई। उनसे बड़े साधु कौन हो सकते। तो आचार्यगण कहते हैं कि फिर साधु किस प्रकार की रक्षा की याचना करते हैं। बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा की गई है। टीकाकार कहते हैं कि जो साधु प्रामाणिक भगवान के भजन में लगे हुए हैं, वो भगवान के भजन और उनकी साधना के वजह से भगवान से विप्रलंब के भाव में, उस विरह अग्नि में जलते रहते हैं। तो हां, उस विरह अग्नि को दूर करने के लिए भगवान अवश्य अवतार लेते हैं। तो यहां पर ये जो साधु रक्षा है, यहां पर हमारे आचार्य वो थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं, क्योंकि साधुओं की ये दूसरी प्रकार की जो रक्षा है, उनको विरह अग्नि से बचाने की जो रक्षा है, उसके लिए हो सकता है कि आप को अवतार लेना चाहिए। तो यहां पर वो थोड़ा बहुत स्वीकृति भगवान को दे रहे हैं, ये बात थोड़ी बहुत पच रही है। तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में ब्रह्म स्तुति, ब्रह्मा जी जो स्तुति कर रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसके अंदर जो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, जो विधाता है ब्रह्मा जी, वो विडंबनम, विडंबना देख रहे हैं, विस्मित हो रहे हैं, और इस श्लोक के द्वारा वो ये प्रश्न भी पूछ रहे हैं कि ये कैसी विडंबना है भगवान, कि आपको इस भौतिक संसार में स्वयं व्यक्तिगत रूप से अवतरित होना पड़ता है। तो पीछे दोहराइए,
प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडंबयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहं प्रतितुं प्रभो प्रपंचम निष्प्रपंचोपि विडंबयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहं प्रतितुं प्रभो प्रपंच निष्प्रपंचोपि विडंबयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहं प्रतितुं प्रभो। तो प्रपंच अर्थात ये भौतिक संसार और निष्प्रपंच अर्थात भौतिक संसार के परे ट्रांसेंडेंटल जिसको कहते हैं। तो विडंबयसी भूतले, ब्रह्मा जी वो इस विस्मय में हैं, वो विडंबना में हैं कि आप स्वयं क्यों कैसे अवतरित होते। तो ये जानने लायक बात है कि ब्रह्मा जी क्यों विडंबना में हैं भूतले, क्योंकि भगवान इस भूतल पर आते हैं, क्योंकि इसकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने की है। तो ब्रह्मा जी जानते हैं अंदर बाहर इस पूरी सृष्टि का, उन्होंने इसकी रचना की है, इसलिए वो इस आश्चर्य में हैं कि ऐसे जगह पर आपका आना ये शोभा नहीं देता। और उन्हें बात खटक रही है क्योंकि वो सृष्टि को जानते हैं और इस सृष्टि में किस प्रकार के लोग हैं उनको भी जानते हैं। जैसे होता है ना, कई बार यदि किसी कुक ने कुछ बनाया है और उसको वो पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी उसने किसी के लिए बनाया है वो, और जब सामने वाला उसको रुचि ले लेकर खा रहा है तो भी सोचता है कैसे खा सकते यार तुम। जैसे हमारे ब्रह्मचारी खिचड़ी बनाते हैं, संडे का खिचड़ी बनाते हैं, और आप लोग सब बहुत चाव से खाते हो आके, और कई होते हैं बाकी बाहर में, तो वो लोग भी विडंबयसि भूतले विडंबना में देखते हैं, इस दूधी भोपले को मैंने ही काटा था और तुम इतने चाव से खा रहे हो उसको, क्योंकि वो सब जानते हैं कि उस खिचड़ी के अंदर कौन कौन सी सब्जियां गई हैं। हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में वो खिचड़ी जब बनती थी तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जितने भी किचन के अंदर वो भोपला दूधी जो ब्रह्मचारी को ये सब्जियां पसंद नहीं है वो ज्यादा काट काट के संडे के सिर्फ खिचड़ी के लिए डालते थे, ताकि हफ्ते भर फिर ये खत्म हो जाए तो दूसरी सब्जी बनेगी, ये दूधी भोपला नहीं बनेगा। तो यहां आइडिया नहीं दे रहे हम। तो ब्रह्मा जी यहां पर कहते हैं, हे स्वामी, यद्यपि भौतिक जगत से आपको कुछ भी लेना देना नहीं रहता, किंतु आप इस धरा पर आकर अपने शरणागत भक्तों के लिए आनंद भाव की विविधताओं को विस्तृत करने के लिए भौतिक जीवन का अनुकरण करते हैं। देखिए, भगवान का एक नाम है त्रियुगी। प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में वो कहते हैं कि भगवान आप अलग अलग प्रकार के रूपों को लेकर आते हो, मत्स्य, कूर्म, वराह इत्यादि, और इस कलयुग में छन्न रूप में आते हो, ये भी बता दिया प्रहलाद महाराज ने, परंतु आप त्रियुगी बताए गए हो। त्रियुगी का अर्थ है सत्य, त्रेता और द्वापर। तो भगवान का इनाम है त्रियुगी, अर्थात भगवान इस युग के लिए ऑफिशियली
निर्धारित ही नहीं किए गए, ऑफिशियली निर्धारित नहीं किए गए वो। तो ये समझ में आता है कि जब ऑफिशियली उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आने का एज एन अवतार, क्योंकि वो त्रियुगी है। कलयुग के विषय में बताया गया है कि कलयुग ये ऐसा युग है, एक उदाहरण से बताते हैं आपको। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे सड़क पर जाता है जहाँ पर पिट कर आता है, वो सब कुछ लुट जाता है उसका उस सड़क पर, और वो पिटा हुआ लुटा हुआ चिथड़े में पुलिस के पास जाता है और पुलिस को बोलता है मैं भद्रकाली गया था, जो भी कोई अगर ऐसी जगह जहाँ पर पिट कर आया मैं वहाँ गया था। और अगर पुलिस बोल दे तुमको बोला किसने तवा जाने के लिए, हम खुद नहीं जाते। मानो वो पुलिस के पास गया और पुलिस ही बोल दे अरे हम खुद नहीं जाते वहां पर, ये कलयुग। कि बाकी सारे अवतार बाकी सारे देवी देवता वो सब उस पुलिस के सामने बोले अरे हम खुद कभी कलयुग नहीं जानते। जैसे बॉम्बे में है ना भिंडी बाजार, खतरनाक एरिया है, तो एक महिला वहां के पुलिस स्टेशन में गई कि मेरे पति को सुबह मैंने भेजा था भिंडी बाजार भिंडी लाने के लिए, अभी तक आए नहीं। तो पुलिस ने कह दिया इतनी सी समस्या के लिए आप यहां पर आए। बोले इतनी सी समस्या, सुबह से मेरे पति गए सब्जी लाने के लिए भिंडी लाने के लिए अभी तक आए नहीं। तो पुलिस कहता है तो दूसरी सब्जी बना लो, इतनी बड़ी बात है क्या? तो कलयुग का विश्लेषण इस प्रकार से किया गया है कि बड़े बड़े जो देवता हैं, हमारे परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने प्रवचन में कह रहे थे कि वो यदि अपने विमानों से गुजरते हैं और पृथ्वी के ऊपर से उनको अगर गुजरना होता है और बीच में यदि उनको लघु शंका भी आ जाए तो रुकते नहीं हो यहाँ, नहीं खतरनाक है यहाँ पे रुकना, और आज के दौर में तो और खतरनाक है। तो राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि वो लघु शंका के लिए भी नहीं उतरते, कंट्रोल करके रहते हैं कि जब तक दूसरे लोक में नहीं पहुंच जाते कंट्रोल करेंगे, और वो ऊंचे लोकों में यदि एक दूसरे को गाली देना है किसी को, देवतागण जब गाली देते हैं एक दूसरे को तो कैसे देते हैं, ए मनुष्य, भौतिक संसार का मनुष्य कलयुग का मनुष्य, ये बहुत बड़ी गाली होती है वहां पर। तो यहां पर ब्रह्मा जी जो कि इस पूरे सृष्टि का कच्चा चिट्ठा जानते हैं, ब्रह्मा जी जो अंदर बाहर सब कुछ जानते हैं इस पूरी सृष्टि का, और ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि बनाई सारे तत्वों को जानते हैं, लोगों को जानते हैं, उनके प्रवृत्तियों को जानते हैं, तो कहते हैं कि एक ही कारण आपके आने का हो सकता है कि प्रपन्न जनतानंद, आपके जो शरणागत हुए हैं उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए आप यहाँ पर अवतरित होते होंगे। तो एक और सुंदर श्लोक है ये भी दशम स्कंद में, जहाँ पर भगवान अवतरित क्यों होते हैं इसका कारण बताया गया है। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तात्परो भवे।
अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्तितः भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवे। तो यहाँ पर इस सुंदर श्लोक में बताया गया है कि भगवान भक्तों के ऊपर अपना अनुग्रह। तो ये जो शब्द है अनुग्रह, हम सब जानते हैं ग्रह, ग्रह का अर्थ क्या होता है? जैसे ये सारे जो ग्रह हमारी कुंडली में हमारे ऊपर हावी होते हैं, राहु केतु इत्यादि, ये सारे ग्रह, किसी की 7.5 चल रही है, किसी की डबल 7.5 चल रही है, तो क्या है? ग्रह ने ग्रस लिया है, किसी ग्रह ने ग्रस लिया है, तो ये चल रही है 7.5 टाइप। अब यहां पर इस श्लोक में बताया गया है अनुग्रह, कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान अपने भक्तों के सारे ग्रहों को अनुकूल बना देते हैं। अनुग्रह का अर्थ क्या है? भगवान उनके जितने अलग अलग प्रकार के ग्रह से वो पीड़ित या प्रताड़ित हैं उनको अनुकूल बना देते हैं। जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो आप बाह्य रूप से देखो तो सब प्रकार का अपशकुन वहां पर आप भौतिक रूप से देख पाओगे। एक तो कारागृह में, वो भी कंस के कारागृह में। तो कई आचार्य बोलते हैं कि भगवान कंस के कारागृह में अवतरित हुए, जहां पता नहीं उनसे पहले कौन कौन से कैदियों को कंस ने बंदी बना के रखा होगा। सोचो, कंस स्वयं इतना बड़ा पापी, तो वो अगर किसी को बंदी बनाए तो वो कितना बड़ा और पापी होगा। तो कंस के कारागृह में देवकी वसुदेव से पहले, ऐसा नहीं कि उस समय निर्माण किया था, फर्स्ट एंट्री देवकी वसुदेव की थी, नहीं, तो कितने ऐसे ऐसे पापी उसके अंदर रहे होंगे, कारागृह के वाइब्रेशंस कैसा रहा होगा। तो ऐसे स्थान को अपना जन्मस्थान चुनना, क्योंकि उस समय कोई आशा की किरण नहीं, मध्य रात्रि में सूर्य की एक भी किरण नहीं दिखाई देती, और वो भी यदि कोई कारागृह में है तो कदापि नहीं। तो देवकी और वसुदेव जैसे जो शरणागत भक्त हैं, उनके जीवन में यदि आशा की कोई किरण कहीं दिखाई नहीं दे रही तब भगवान अवतरित होते हैं। इसलिए काल परम शोभनम। नरसिंह भगवान ने अवतार लिया, वो भी हिरण्यकशिपु के महल के खंभे स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। तो वो भी कोई बहुत, और जैसे कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो कम से कम हम आसन देते हैं बैठने के लिए। नरसिंह भगवान अवतरित हुए तो कितने समय तक वो खड़े थे, बैठने की जगह नहीं थी। हिरण्यकशिपु को पकड़कर जब बैठने के लिए जगह ढूंढी तो हिरण्यकशिपु का ही सिंहासन वहीं पर बैठे, एडजस्ट कर हिरण्यकशिपु के साथ। तो बैठने की जगह नहीं, कोई वेलकम ड्रिंक नहीं, क्या पिया? रक्त पिया, हिरण्यकशिपु का रक्त पिया। अरे कम से कम कोई बड़ा व्यक्ति आता है उसको माला तो पहनाते हैं हम, तो वही भगवान जो वैजयंती माला ऐसे ऐसे फूलों के पहन रहे थे। हरि, तो इस प्रकार से जब वो अवतरित होते हैं तो किस लिए अवतरित होते हैं? भक्तानां मानुषं देहम आस्तितः। तो जब भगवान अपने भक्तों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए मनुष्य जैसा शरीर धारण करते हैं तो वे ऐसी, तो विश्वनाथ चक्र ठाकुर कि भगवान जब इस भौतिक संसार में आकर अपनी लीलाएं करते हैं तो वो ज्यादा
उठकर दिखती हैं। जैसे कि यदि कोई बहुमूल्य हीरा है, दैदिप्यमान हीरा है, और उस हीरे को आप चांदी की थाली में रख दो तो इतना अच्छी से उठकर नहीं दिखेगा। यदि कोई काला बैकड्रॉप होगा तो काले बैकड्रॉप पर वो दैदिप्यमान बैकड्रॉप के समान। और यहां पर जब भगवान आते हैं तो भगवान की लीलाएं जो हैं वो और दिखती हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है उनके विषय में उदाहरण दिए गए। पहला उदाहरण, नागरिकों के भरण पोषण के लिए सब कुछ करेगा, अपने आप को बेच भी देगा अपने नागरिकों के भरण पोषण के लिए यदि प्रामाणिक राजा है। परंतु ऐसा कौन सा राजा आपने देखा कि जो पड़ोस के राज्य में जो नागरिक वो त्रस्त हैं उनके विषय में चिंता कर रहा है? तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु वो ऐसे राजा हैं कि जिनको इस भौतिक संसार के हम जो नागरिक हैं इनसे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए था। अरे हम तो उनको दुर्लक्ष कर बागी बनकर वहां से निकल कर आ गए थे, हम पर कृपा कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण कि मान लो कोई व्यक्ति जिसने पीएचडी कर रखी है और वो भी बड़े हार्वर्ड से कर रखी है पीएचडी या ऑक्सफोर्ड से पीएचडी कर रखी है, मुझे मिले कोई अच्छा मान सम्मान वाला जॉब मिले, उसको यदि कहीं देहात में अनपढ़ गवार बच्चों को एबीसीडी सिखाने के लिए बिना सैलरी के रखे कैसा लगेगा उसको? अरे मैंने पीएचडी करी कहाँ से और तुम मुझे कहीं देहात में अनपढ़ गवार को एबीसीडी सिखाने के लिए लगाए हो। तो आचार्य उदाहरण देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उस पीएचडी स्कॉलर के समान है और वो आए हम देहातियों के लिए अनपढ़ गंवार। और ये उदाहरण भी दिया है श्रील प्रभुपाद ने कि वो कलम लेकर ए बी सी डी हमको सिखाया। हमारा तो प्रश्न चिन्ह होता है कि ये पीएचडी किया है कि नहीं किया है, हम उस पर डाउट करने लगते हैं। फिर भक्तिविनोद ठाकुर उनको लिखना पड़ता है कि शिवजी का त्रिशूल आता है फिर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो क्रोधित नहीं होते लेकिन उनके जो पार्षद हैं जैसे महादेव शंभु वो क्रोधित हो जाते हैं कि अरे इतनी कृपा बरसाने के लिए आए और तुम संशय कर रहे हो इनके ऊपर, ये लो मैं बताता हूं अभी तुमको। तो कवि कर्णपुर उन्होंने एक सुंदर पुस्तक लिखी है जिसका नाम है श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक, और ये एक ड्रामा के रूप में उन्होंने लिखा है। कर्णपुर उनका नाम है, अच्छे वो प्रख्यात कवि हुए, तो उन्होंने श्री कृष्ण और गौर लीला को बहुत काव्यात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। तो इस ग्रंथ में हुआ उसको एक है कली और एक है अधर्म। तो कली और अधर्म के बीच में वार्तालाप चल रहा है, ये उन्होंने प्रेजेंट किया है। और सोचिए कि ये दो, तो कली जो है मानो शतरंज के अंदर होता है ना राजा, और राजा को यदि अपने आप को बचाए रखना है तो राजा के बगल में जो उसका मिनिस्टर होता है वो सबसे पावरफुल होता है। मिनिस्टर शतरंज के अंदर मिनिस्टर का चाल सब जगह पर सबसे पावरफुल, मिनिस्टर को कोई मार डाले तो फिर राजा खतरे में। तो कली उस राजा के समान है और ये राजा धड़ल्ले के साथ इस कलयुग के अंदर अपना धावा बोले हुए है क्योंकि बगल में उसका मिनिस्टर कौन सा खड़ा हुआ है, अधर्म। तो अधर्म के द्वारा सब जगह पर कली ने अपना साम्राज्य फैलाया हुआ है अधर्म के द्वारा। लेकिन यहां पर कन्वर्सेशन चल रहा है कली और अधर्म के बीच। तो कली बहुत प्रसन्न हुआ कि हां अब मेरा युग है, अब अपना टाइम है।
और अधर्म को लेकर जश्न मना रहा है कली। अचानक कवि कर्णपुर कहते हैं कि जश्न मनाता हुआ ये कली वो भौचक्का रह जाता है, भयभीत होता है जब वो देखता है कि श्री गौरांग महाप्रभु अवतरित हो रहे हैं। तो जैसे ही उसे समझ में आता है कि एक ऐसा महापुरुष वो अवतरित हो रहा है, तो अब मुझ कली की कुछ नहीं चलने वाली। तो अधर्म जब अपने स्वामी कली को इस प्रकार से भयभीत देखता है, तो अधर्म जो है वो दिलासा देता है कि मुझ पर छोड़ो, मैं देख लूंगा। मेरे सामने बड़े बड़े घुटने टेक कर वो मेरे तलवे चाटते हैं, ये कौन है श्रीमान गौरांग महाप्रभु, कौन है? मैं मेरे प्रकोप के द्वारा, मेरे प्रलोभन के द्वारा मैं इनको मेरे तलवे चटवाऊंगा और स्वामी तुम्हारे सामने लाऊंगा शरणागत रूप से इस महाप्रभु को। तो इस प्रकार से अधर्म वो दिलासा दे रहा है कली को। तो कवि कर्णपुर बहुत सुंदर तरीके से भगवान की कुछ लीलाओं का वर्णन करते हैं कि अधर्म और कली मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु को कैसे प्रलोभित करने। तो सबसे पहले अधर्म, जैसे कि जो तीन द्वार बताए गए हैं भगवद गीता के अंदर, काम क्रोध और लोभ के तीन द्वार, बहुत इंटरेस्टिंग है कि देखो नरक में जाने के लिए तीन द्वार हैं, जाने के लिए एक ही द्वार है, परम नाशनम आत्मन, काम क्रोध लोभ, ये तीन द्वार। कि वैकुंठ में जाने के लिए कोई ट्रैफिक ही नहीं है, इक्का दुक्का कभी 100 वर्षों में, कभी 150-200 वर्षों में इक्का दुक्का कोई एक क्वालिफाई होता है वैकुंठ जाने के लिए, तो इसलिए एक द्वार काफी है। लेकिन यहां जाने के लिए बहुत ट्रैफिक है, इसलिए तीन तीन द्वार खोलने पड़े और कोई चेक नाका नहीं, कोई ऑट्रा नाका नहीं, कुछ नहीं, फ्री एंट्री। फिर भी लोग लाइन में खड़े जाने के लिए, इन तीन द्वारों में भी लाइन लगी हुई है। तो यहां पर अधर्म वो कली से कहता है कि सबसे पहले लोभ। तो चैतन्य महाप्रभु को लोभ कैसे दिया, वो अभी उसके लिए समय नहीं है, जागरूक रखने के लिए हम क्विज खेल सकते थे आपके साथ। तो लोभ का प्रलोभन कब दिया, निमाय पंडित के रूप में बाहर वो ईस्ट बंगाल गए, और ईस्ट बंगाल में जब वो गए तो वहां पर वो इतने फेमस हुए, उनकी विद्वत्ता एज निमाय पंडित वो फेमस हुए दे रहे थे। अब वो तो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और साधारणतः ब्राह्मण जो हैं वो गरीब रहते हैं हर समय, लेकिन यहां पर निमाय पंडित को ऐसे बहुमूल्य बेशकीमती गिफ्ट्स मिलने लगे। तो कवि कर्णपुर कहते हैं कि ये सब अरेंज किसने किया, कली और अधर्म ने अरेंज किया कि सबसे पहले हमको बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लोभ काफी है कलयुग के अंदर, किसी के अंदर लालच डाल दो बस, बाकी सब बुरे कर्म करना शुरू कर देगा वो। तो महाप्रभु ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और उनके जो पिताजी थे वो कोई धनाढ्य नहीं थे, लेकिन निमाय पंडित के रूप में उन्होंने इतना धन कमा लिया और इतने कम उम्र में इतना धन कमा लिया। तो कली ने अधर्म को कहा कि हाँ बस ये ट्रैप है, इसके अंदर ये फंस जाएगा बंदा। लेकिन महाप्रभु किए क्या, निमाय पंडित ने किया क्या, जितना भी सब कुछ वो बांग्लादेश में कमाया, उन्होंने ईस्ट बंगाल में जितना कुछ कमाया, फिर से नवद्वीप आते आते उन सबको बांट दिया उन्होंने, फिर से जैसे थे वैसे। तो अधर्म और कली खड़े खड़े देख रहे हैं
कि कोई व्यक्ति इतना विरक्त कैसे हो सकता है, ऐसे बेशकीमती भेंट वो सब कुछ बांट दिए इन्होंने। तो फिर ये कुछ सोचा कि चलो ये तो ट्रैप है, विवाह करा देते हैं जो उस समय की सबसे सुंदर स्त्री है उसके साथ। तो महाप्रभु का निमाय पंडित का विवाह करा दिया। अब विवाह हो गया, लेकिन उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु तो 24 वर्ष की उम्र में ही संन्यास ले लिए। तो जो उनका ये प्लान था कि इनको ट्रैप करेंगे कि बहुत सुंदर पत्नी होगी तो सुंदर पत्नी को छोड़कर कौन जाएगा, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब वो गया गए, और देखो वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु अपने पिता के श्राद्ध के लिए जब गया गए तो उनके पिता का देहांत काफी समय पहले होकर पूरी बनाने के लिए, तो वहां से जब निमाय पंडित लौट कर आते हैं तो वो कृष्ण प्रेम और हरिनाम, विशेष रूप से हरिनाम से पूरा आप्लान्वित होकर आते हैं। और ये निमाय पंडित अब जो शादीशुदा हैं, इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और 24 वर्ष की उम्र में वहां पर कोई कल्पना नहीं कर पाता था कि इस उम्र में ये इतने सुंदर दिखने वाले ये और कली को क्रॉस करना, ये हमारा पैंतरा भी नहीं लग पाया इनके ऊपर। इसके पश्चात क्रोध, हम सब ये तो बहुत सरल है जानना कि जब जगाई मधाई का उद्धार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर कर रहे थे और उस मधाई ने नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार किया और इसकी रिपोर्टिंग श्री चैतन्य महाप्रभु को हुई, तो उन्होंने अपना सुदर्शन निकाल लिया मारने के लिए। और तब नित्यानंद प्रभु ने देखा कि नहीं नहीं नहीं, 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 ये ट्रैप है, ये किसका ट्रैप है, ये कली। और जैसे उन्होंने सुदर्शन निकाल लिया खत्म करने के लिए, नाचने लगे, यस अब ये हुआ ना, अधर्म के चपेट में आ रहे हैं ये, और एक बार ये क्रोध के चपेट में आ जाएंगे तो फिर इनकी शुद्धता चली जाएगी, इनकी शुद्धता चली जाएगी तो फिर हमारा जो प्रभाव है वो बना रहेगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि महाप्रभु उनके जो पार्षद हैं वो उनके भी प्रभु बनकर आते हैं, महाप्रभु के भी प्रभु बनकर आते हैं, जैसे कि नित्यानंद प्रभु, तो नित्यानंद प्रभु समझ गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो सबसे पावरफुल अस्त्र शस्त्र हैं वो उनके संगी हैं, संगो पांगास्त्र पार्षदम। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु तुरंत उनको रोक दिए कि नहीं 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 नहीं, ये अवतार इसके लिए नहीं है, हम सब प्लान करके आए हैं, ये सुदर्शन चक्र इस अवतार में यूज नहीं करना है, रखिए इसको। और फिर वो पूरे पास टाइम में नित्यानंद प्रभु उनको पैसिफाई करते हैं, और यहां पर कली और अधर्म देख रहे हैं कि अरे इनका क्रोध तो छोड़िए, ये जगाई मधाई जिनको देखकर लोग गंगा स्नान करते थे कि अरे हम अशुद्ध हो गए इनको देखकर, ये जगाई मधाई को ये चैतन्य महाप्रभु ने इतना शुद्ध कर दिया है कि अब इनको देखकर लोग गंगा स्नान जैसा अपने आप को मानते हैं। और फिर जो अंतिम ट्रैप वो सामने रख रहे थे कि कोई व्यक्ति लोभ से अपने आप को बचा सकता है, काम वासना से बचा सकता है, क्रोध से बचा सकता है, परंतु अहंकार वो सभी अनर्थों का स्वामी है। और निमाय पंडित के अंदर अहंकार डालने का षड्यंत्र कली और अधर्म ने कब और कैसे रचा, केशव कश्मीरी। केशव कश्मीरी हम सब जानते हैं कि डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ सरस्वती, सरस्वती देवी ने वरदान दिया था केशव कश्मीरी को कि जब भी तुम अपना मुख खोलोगे बोलने के लिए तो मैं तुम्हारे जिह्वा पर विराजित होंगी। सोचो सरस्वती डायरेक्ट
ये वरदान केशव कश्मीरी को प्राप्त हुआ था। अब कोई भी टक्कर नहीं लेता था केशव कश्मीरी से, क्योंकि कौन अपने आप को अपमानित करना चाहेगा, पूरा मैच फिक्स्ड है। कोई आज दिन तक उसको पब्लिकली नहीं हराया। कली और अधर्म चाहते थे कि निमाय पंडित केशव कश्मीरी को पब्लिकली हराए। क्यों? क्योंकि यदि पब्लिकली हराएंगे तो वाहवा निमाय पंडित की होगी, और वाहवा उनकी होगी तो अभिमान उनके अंदर आ जाएगा, और अभिमान आ जाएगा तो बस फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने प्राइवेटली केशव कश्मीरी को हराया, और केशव कश्मीरी हारने के पश्चात जब आकर निमाय पंडित के चरणों में गिर जाता है, तो उस समय केशव कश्मीरी वो कोई अपने ही मानते हैं। तो यहां पर इतना बड़ा प्रलोभन अभिमानी होने का कली और अधर्म ने निमाय पंडित को दिया, उसको भी खारिज कर किसने? निमाय पंडित ने अपनी नम्रता से। तो यहां पर अब कली और अधर्म ये एक दूसरे को देख रहे हैं, और कोई व्यक्ति लोभ से प्रलोभित नहीं हो सकता, कोई काम वासना से प्रलोभित नहीं हो सकता, क्रोध से वो प्रभावित नहीं हो सकता, और सबसे ज्यादा यदि वो अहंकार से प्रभावित नहीं हो सकता तो ये व्यक्ति महापुरुष ही हो सकता है, और ये इस युग का युगावतार ही हो सकता है। तो इस नाटिका के द्वारा कवि कर्णपुर प्रस्थापित कर रहे हैं कि अरे बाकी देवों के देव महादेव इत्यादि और अन्य अवतार तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर साक्षात कली और अधर्म वो प्रभु के सामने अपनी हार मान ली और बोले कि हाँ ये है युग अवतार जिनके आगे कली और अधर्म की एक नहीं चलने वाली। तो सोचिए कि कितनी आशा है कि जो इस कलयुग के मूर्तिमान व्यक्ति हैं और उनका मिनिस्टर अधर्म, ये दोनों सर्टिफाई कर रहे हैं, होता है ना सर्टिफाइड, हर चीज आजकल सर्टिफाइड चाहिए, तो ये सर्टिफाई कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के अवतार को। इसलिए महाप्रभु अब क्यों हम वो जो श्लोक में कहते हैं अनार्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलो, कि जो कभी किसी ने अर्पित नहीं किया वो महाप्रभु ने अर्पित किया है। तो क्या है ये महाप्रभु जो इनका नाम है इसका अर्थ? तो इसमें ये जो महा, यदि इस शब्द को लें तो ये है श्रीमती राधा रानी का महाभाव, और प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण। तो राधा रानी के महाभाव को लिए हुए जो प्रभु आए वो हुए महाप्रभु। अब देखिए इनके अवतरण से पहले बहुत से भगवान के अवतार हुए जो उन्होंने आकर उनका प्रेम दिया, परंतु प्रेम की जो पराकाष्ठा है श्रीमती राधा रानी का प्रेम भगवान के प्रति, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी नहीं समझ पा रहे थे। तो बहुत सुंदर इसके पीछे की ये कथा है कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की लीलाएं कर रहे थे, तो उस दौरान यशोदा माई को जब पता चला कि ये जो राधिका है इसके हाथ में जादू है, और ये जो भी कुछ पकाती है वो अप्रतिम होता है, न केवल स्वाद के दृष्टिकोण से बल्कि सेहत के दृष्टिकोण से, तो यशोदा माई वो नन्ही सी राधिका को अपने गोपाल के लिए भोजन बनाने के लिए बुलाती है।
तो अब वो एक पूरी विस्तार की लीला है जहाँ पर श्रीमती राधा रानी अब अपनी बालिका स्वरूप में अपने आराध्य श्याम सुंदर के लिए भोजन बना रही। इसके दिन का तो वो वेट कर रही थी। तो जिस दिन पहली दफा होता है ना कि प्रीमियर शो है, फर्स्ट शो, तो उन्होंने अपना जी जान लगा दिया और यशोदा माई ने पहले चखा, क्योंकि उनके थ्रू पहले सब कुछ जाता था। तो उन्होंने जब चखा तो वो तो भाव विभोर अवस्था में चली गई कि आज दिन तक मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी चखा नहीं। और उन्होंने खुश होकर कुछ तो मुझे भेंट के रूप में इस राधिका को देना चाहिए, तो यशोदा माई किचन में गई, हल्दी लेकर आई और हाथ पीले कर दिए। राधा रानी के हल्दी से हाथ पीले कर दिए। अब हम सब जानते हैं हाथ पीले किसी के करना, उसका अर्थ क्या होता है कि बात पक्की हुई, शादी की बात पक्की हुई। अब राधा रानी ने, उन्होंने उस समय तो वो बहुत खुश हुई, लेकिन उसके बाद में अब उनको जब घर जाना है, अब ये तो एक छोटी सी बालिका है, घर जाना है, लेकिन हाथ पीले हो गए और वो भी यशोदा माई ने कर दिए, मतलब क्या संकेत हो गया कि यशोदा माई ने श्रीमती राधा रानी को अपने बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कोई स्वीकृति नहीं मिली, माता पिता से कोई परमिशन नहीं मिला है अभी तक, तो क्या होगा पता नहीं। लोग किस प्रकार की बातें करेंगे, मेरे ऊपर लांछन लगाएंगे, कुलंकिनी बोल देंगे। तो डरी हुई, सहमी हुई, अपने हाथ को छिपाए हुए रास्ते में ललिता देवी पकड़ लेती हैं। राधा रानी के चेहरे को देखकर ललिता देवी समझ जाती हैं कि यहाँ पर दाल पीली हो गई है, दाल में काला नहीं है, दाल पीली हो गई है। तो वो राधा रानी के छुपे हुए हथेली को खोल कर देखती हैं, ये क्या हुआ, ये किसने किया। तो वो क्या कहे। तो जब ललिता देवी को पूरी कहानी सुनाती हैं श्रीमती राधा रानी, तो ललिता देवी कहती हैं ठीक है कोई बात नहीं, नंदग्राम से बरसाने के बीच में एक कुंड है, प्रिया कुंड, जाओ अपने हाथ धो लो वहाँ पर, सिर्फ किसी को पता नहीं चलेगा। और वो प्रियाकुंड ऐसे जगह पर स्थित है जहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं आते, उनको पता भी नहीं चलेगा कि तुमने वहाँ पर हाथ धोया है, कोई तुमको देखेगा भी नहीं, कोई सीसीटीवी भी नहीं हो, कुछ नहीं होगा, जाओ। तो ललिता देवी वो सीनियर हैं राधा रानी से, राधा रानी मान गई, थोड़ा उनको साहस मिला, गए वहाँ पर उस प्रिया कुंड में। उन्होंने जैसे ही अपने दोनों हाथ धोने के लिए डाले, वो पूरा कुंड पीला हो गया, वो बड़ा कुंड और पूरा कुंड पीला। उसका नाम फिर आगे चलकर हुआ पीली पोखर। राधा रानी देखती है क्या हुआ, पूरा कुंड पीला। ललिता देवी देख रही है, ये क्या किया तूने, मैंने क्या, आपने ही बोला इधर से हाथ धो, पूरा कुंड पीला हो गया। और धीरे धीरे अब जैसे ही लोगों ने देखा, वहां पर नंदगांव के लोगों ने देखा, बरसाने के लोगों ने देखा कि अरे ये कुंड पीला और ये भी इसने किया पीला, बात फैल गई। तो अब बताना पड़ा, जाकर वृषभानु और कीर्तिदा को बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, सच सच बात बता दी। तो वृषभानु महाराज इतना प्रसन्न हुए कि अहो भाग्य हमारे कि नंद महाराज उन्होंने बहू के रूप में स्वीकार किया है। तो राधा रानी सोचने लगी कि अरे खुश हो रहे हैं, लेकिन नंद महाराज को पता नहीं है कि नहीं, वो तो यशोदा माई ने हल्दी लगा दी थी। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत शुभ संकेत है और यहाँ से हमें हमारी स्वीकृति देनी चाहिए। तो दो संदूक भरकर हीरे मोती जवाहरात ये सब भेजे
ये रिप्लाई इनका कि कबूल है, हमें कबूल है। तो यहां पर जब नंद महाराज को ये दो संदूक भरे हुए हीरे मोती, तो नंद महाराज सोचने लगे कि अरे भाई शादी विवाह तो बराबरी में होता है, इन्होंने तो दो संदूक भेजकर हीरे मोती भेज दिए, लेकिन हमारे पास इतने हीरे मोती थोड़ी हैं वापस भेजने के लिए, ये कैसे होगा विवाह। तो श्याम सुंदर कृष्ण जब वो देखते हैं, वो कहते हैं इतनी सी समस्या, हम किस काम आएंगे, हम किस मर्ज की दवा है। तो वो हीरे मोती को लेते हैं, वहीं पे उनके आंगन में नंद के आंगन में पिरोने लगते हैं। तो एक एक कर वो हीरों को पिरोते हैं, मोतियों को पिरोते हैं, और इनकी आंखों के सामने मोतियों के पेड़, हीरों के पेड़, तुरंत उसी समय। तो यहाँ पर हीरे उग रहे हैं, मोती उग रहे हैं, नंद महाराज देख रहे हैं ये सब क्या हो रहा है। नंद महाराज बोले अभी तो दो संदूक नहीं, 200 संदूक भेजने पड़ेंगे भर भर के उनको। तो इस प्रकार से जब श्याम सुंदर इसको देखते हैं कि अरे बात पक्की हुई, तो इतना प्रसन्न होते हैं, बाहर निकलते हैं, नाचते हुए गाते हुए बाहर निकलते हैं अपने सखाओं के साथ। उनको भी पता नहीं कि इतने खुश क्यों हैं श्याम सुंदर आज, और नाचते हुए नाचते हुए कहां पहुंचते हैं, पीली पोखर। उस पीली पोखर में डुबकी लगाने के लिए कूद जाते हैं उसके अंदर, और जैसे ही कूदते हैं, श्याम सुंदर बहुत अच्छे तैराक हैं, लेकिन डूबने लगते हैं वहां पर। तो आचार्यगण बताते हैं कि इतने कुशल तैराक ये श्याम सुंदर डूबने क्यों लगते हैं, क्योंकि राधा रानी का महाभाव प्रेम वो अनुभव करते हैं पहली दफा। तो राधा रानी का महाभाव प्रेम अनुभव करते हैं तो वो अपने होशो हवास खो बैठते हैं, होशो हवास खोए हुए। अब वो जब कोई डूबता है तो उसका पोजीशन क्या होता है, आप कल्पना कीजिए। पता नहीं यहाँ पर किसी का एक्सपीरियंस क्या है डूबने का, तो कोई अगर किसी तालाब में डूब रहा है तो वो अपने आप को बचाने के लिए कौन सा पोस्चर लेगा, ये वाला लेगा कि नहीं, है ना। तो श्याम सुंदर जो कुशल तैराक हैं, राधा रानी के इस कुंड में डूबते हुए राधा रानी के महाभाव ने श्याम सुंदर के इन दोनों हाथों के इस पोस्चर को ये पोस्चर बना दिया, और अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए जैसे कि महाप्रभु के हाथ होते हैं, और बाकी सारे गोपगण देख रहे हैं कि ये हमारा कन्हैया ये डूब कैसे रहा है। और वो तो अलग बात है, ये इसके कॉम्प्लेक्शन को क्या हो गया है, तो मोर मुकुट गायब, बांसुरी गायब। और वहां से ये गोपगण जब बचाकर अपने कन्हैया को बाहर निकालते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और ये जो अंदर गए थे श्याम वर्ण के श्याम सुंदर, ये बाहर आए गौर सुंदर होकर, और जैसे ही अब ये श्याम सुंदर गौर सुंदर होकर बाहर आए तो ये क्या भाषा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ए स्तोक कृष्ण, ए सुबल, ए मधुमंगल, ए उज्ज्वल, इन सब को बुला रहे हैं, कृष्ण कहाँ हैं, इनको क्या पूछ रहे हैं, कृष्ण कहाँ हैं, कहाँ मोर प्राणनाथ, कहाँ मुरलीर वदन, कहां जाऊं कहां पाऊं मैं ब्रजेंद्र नंदन, इस प्रकार से बोल रहे हैं, पुकार रहे हैं। तो ये सारे गोपगण बोल रहे हैं अरे ये इसके जो फीचर्स हैं वो तो हमारे कन्हैया जैसे ही हैं, लेकिन इसका जो वर्ण है वो इतना सुनहरा हो गया, और ये खुद के बारे में क्यों पूछ रहा है। क
कहां मोर प्राण धन मुरली रवदन, कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो रूप है कन्हैया तुम्हारा, ये इतना सुंदर रूप है कि आज दिन तक हमने तुम्हें इतने सुंदर रूप में कभी नहीं देखा। ये गौर वर्ण, ये सुनहरा चमचमाता वर्ण। और तब उन सब ने पूछा कि अरे हम अकेले ये केवल इसका आस्वादन नहीं करना चाहते, क्या ये पूरी सृष्टि के लोग इसका आस्वादन करेंगे? तब महाप्रभु के आवेश में श्याम सुंदर, अब जो गौर सुंदर बन गए, कहे कि अरे आने वाले युग में मैं इसी रूप में अवतरित होऊंगा। और ये है श्रीमान गौरांग महाप्रभु, जिन्होंने ये भाव, श्रीमती राधा रानी का भाव लिया, जो कि साक्षात कृष्ण हैं, परंतु श्रीमती राधा रानी के भाव में और उनके वर्ण में वो अवतरित हुए। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं छन्न कलयुग, कि इस कलयुग में आप छन्न रूप में आओगे। तो आचार्यगण टीका करते हैं कि क्यों भगवान कलयुग में ये इस छन्न अवतार में आए, क्योंकि कलयुग के लोग वो अपने आप को छन्न रखते हैं, कवर्ड, हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी का एक लक्षण क्या है? अंदर कुछ बाहर कुछ, है ना। तो महाप्रभु ने कहा कि कलयुग के लोग यदि अंदर कुछ बाहर कुछ इस प्रकार के होंगे, तो मैं भी उसी प्रकार के रूप में आऊंगा। अंतर कृष्ण बाहर राधा रानी, राधा रानी का वर्ण और अंदर साक्षात भगवान श्री कृष्ण, इस रूप में वो अवतरित हुए। और इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर वो अपने इस नवदीप धाम महात्म में कहते हैं, गौर नाम गौर धाम गौर रूप गुण, अपराध नाही मानी तारी ते निपुण। कि उन्होंने ये निश्चित करके आए कि उनका हरेक, उनका नाम, उनका धाम, उनकी लीलाएं, उनका रूप, उनके गुण, ये सब हम सब के जो जितने अपराध हैं, उन अपराध को क्षमा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने इन सारे अलग अलग प्रकार के रूपों में अवतरित हुए। और फिर अंत में भक्ति विनोद ठाकुर वो अपने इस नवद्वीप धाम महात्म में कहते हैं, वो कहते हैं कि इस कलयुग में जितने भी धाम हैं, वो धीरे धीरे वो अपने आप को रैप अप करने लग जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि गोमुख, पहले उद्गम स्थान गंगोत्री, वो उद्गम स्थान था गंगा जी का, लेकिन कलयुग के प्रभाव के वजह से अब 18 किलोमीटर गंगा देवी जो है वो पीछे जा चुकी है। तो भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जितने अन्य धाम हैं, नवदीप धाम को छोड़कर जितने अन्य धाम हैं, वो धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव के वजह से वो अपने आप को अंदर करते रहेंगे, अंदर करते रहेंगे। लेकिन जैसे कलयुग बढ़ेगा, तो नवद्वीप धाम वो इस कमल पुष्प के समान है जो खिलता रहे, और खिलेगा और खिलेगा और खिलेगा। तो जितना कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, अब हम देख रहे हैं मायापुर नवद्वीप धाम में जो अद्भुत मंदिर आ रहा है, तो ये सब एक एक कर लक्षण हैं कि कलयुग, यदि उसको प्रगति बोलो या दुर्गति बोलो, कलयुग का अग्रसर होना और नवदीप धाम का और खुलना, और ये सब हम देखते हैं चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के द्वारा ये हो पा रहा है। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु त्रियुगी भगवान अपने रेगुलर प्रोटोकॉल को उसके अगेंस्ट जाकर इस कलयुग में अवतरित होते हैं,
करुणा अवतार, नमो महावदन्याय अवतार, तो उनको बढ़ाने के लिए और इस नवद्वीप धाम को सब जगह फैलाने के लिए आते हैं श्रील प्रभुपाद जैसे उनके प्रतिनिधि। तो जो महाप्रभु अवतरित हुए और उनके अवतरण को आज हम लोग यहाँ पर गौर पूर्णिमा मना पा रहे हैं, हमको कोई पता नहीं था कि ये चैतन्य महाप्रभु कब कहाँ, क्या उनका अवतार था, क्या उनकी लीलाएं थीं। हम लोग तो बस यहाँ पर मिसल पाव में अटके हुए थे, लेकिन महाप्रभु की ये जो कृपा श्रील प्रभुपाद के वजह से हमें जो प्राप्त हुई, इसलिए ये कहा गया है कि जितने महाप्रभु से संबंधित उनसे पहले और उनके पश्चात जैसे षड गोस्वामी इत्यादि ये सारे जो हुए, और श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के अनुयायी, इन सब को एक बहुत सुनहरा अवसर मिल रहा है गौर लीला में भाग लेने का। ऑल द प्रीवियस आचार्यस इंक्लूडिंग श्रील प्रभुपाद एंड इंक्लूडिंग द फॉलोअर्स ऑफ श्रील प्रभुपाद विल बी टर्म्ड एज पार्षद ऑफ गौर लीला। तो सोचिए कि हम यदि श्रील प्रभुपाद के प्रामाणिक फॉलोअर बन जाएं, तो हम भी गौर लीला में अपना भागीदारी दे सकते हैं। तो इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। इसलिए आइए हम इस वर्ष की गौर पूर्णिमा के इस महोत्सव में ये सारे जो आचार्य हमको प्रस्तुत किए हैं, चैतन्य महाप्रभु के अवतरण का कारण और उनकी लीलाएं, उनकी महिमा। लोग बहुत परेशान हैं इस कोरोना वायरस से, हम ये कहना चाहेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के जो करुणा है, हम इसकी शरण ग्रहण करें। इससे बड़ा और कुछ नहीं है। हमें हर प्रकार के इस भौतिक संसार, खास तौर पर इस कलयुग के प्रभाव से अपने आप को बचाने के लिए, तो आइए हम ये गौर पूर्णिमा महोत्सव इस भाव में मनाएं। कई आचार्यों ने बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि हमको गौर पूर्णिमा किस भाव से मनाना चाहिए। हमको इस भाव से मनाना चाहिए कि ये हमारी आखिरी गौर पूर्णिमा होगी। अगर हम इस भाव से मनाएंगे कि ये हमारी आखिरी गौर पूर्णिमा होगी, तो हम कितनी तीव्रता से गौर महिमा, गौर कृपा को ग्रहण करने के लिए आतुरता दिखाएंगे। और यदि हमें एक और वर्ष, अगले वर्ष की गौर पूर्णिमा भी मनाने मिल जाए, तो क्या समझना चाहिए? ये समझना चाहिए कि एक एक्स्ट्रा साल बोनस के रूप में महाप्रभु ने हमको दिया। क्यों दिया? क्योंकि पिछली गौर पूर्णिमा हमने अच्छी तरीके से मनाई। बोलो श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है? कली और अधर्म का बढ़ता जा रहा है, तो मेरा प्रश्न है कि भगवान फिर से अवतरित होंगे ताकि ये परमानेंटली इनका कली और अधर्म का साम्राज्य खत्म हो जाए? भगवान गए नहीं। आपका प्रश्न है भगवान फिर से अवतरित होंगे? भगवान गए नहीं, इसलिए तो बताया गया है कि अनार्पित चरम चिराज, जो पहले कभी किसी ने अर्पित नहीं किया। जैसे कि बाकी अवतार, वो अवतरित हुए, उन्होंने लीलाएं की और वो फिर चले गए अपने धाम, परंतु महाप्रभु आए और वो अपने हरिनाम के रूप में रह गए। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, तो कृष्ण अवतार इस कलयुग में अपने नाम के रूप में है।
तो जो आप कह रहे हैं कि यहाँ कलयुग का प्रभाव, ये सब के लिए भगवान का ये जो हरिनाम है वो है सबसे शक्तिशाली अवतार। क्या सशक्त होता जा रहा है इनका जो साम्राज्य है कली और अधर्म का, कम नहीं हो रहा है वो, खत्म क्यों नहीं हो रहा, समाप्त नहीं हो रहा? क्योंकि हम ठीक से हरिनाम नहीं कर रहे इसलिए। क्योंकि यदि जैसे होता है ना कि किसी कमरे के अंदर यदि आपने ठीक से लाइट नहीं लगाई तो अंधेरा अपने आप दिखाई देगा ना, तो अब इसमें दोष किसका है? लाइट ठीक से नहीं लगाई है ना, तो लाइट भी लगाई है तो 0 वाट का बल्ब लगाया है, तो इसलिए अब अंधेरा तो सब जगह पर छाया हुआ है, तो यदि लाइट कम होगी तो अंधेरा अपने आप ज़्यादा दिखाई देगा। इसलिए तो हम आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सब ये चैतन्य महाप्रभु का जो हरिनाम संकीर्तन है लाइट के रूप में सब जगह पर प्रज्वलित करते रहें, ताकि कलयुग रूपी जो अंधेरा है उसे हम दूर कर सकें। ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी महाप्रभु ने और श्रील प्रभुपाद ने दे रखी है। तो यदि हमें इस कलयुग का प्रभाव कम करना है तो आइए हम सब मिलकर इस हरे कृष्ण महामंत्र को दूर दूर। गुरु जी, प्रथम प्रश्न तो यह है कि कलयुग में भगवान प्रकट होंगे या अवतार लेंगे, एक प्रश्न ये। और दूसरा क्या है कि अनुभव जो अब हम सुनते आ रहे हैं और ज्ञान में पढ़ते जा रहे हैं वो उनका अनुभव है, वो उनकी प्यास थी, लेकिन ऐसी प्यास हमें कब जगेगी और कब होगी? क्योंकि वो तो अपना उनका जैसे चैतन्य महाप्रभु का था, वो उनका अनुभव था, तो ऐसा अनुभव हमको कब होगा कृष्ण के प्रति, या हमको कोई ऐसी फीलिंग अंदर से कब आएगी जो कि हम उनका अनुभव कर सकें? बस यही प्रश्न आपसे। देखिए, हमारी अवस्था ऐसी है जहाँ हम यदि कोई भौतिक सुख भी है तो भौतिक सुख भी हम हमारे शायद गीतामृत के क्लासेस में हम इसको कह रहे थे कि एक है हमारी इंद्रियाँ और एक है विषय वस्तु। तो कई बार इंद्रिय और विषय वस्तु के बीच में कोई व्यक्ति उस विषय वस्तु का गुणगान करता है, तो उसके गुणगान करने के वजह से, उसके उस विषय वस्तु का आस्वादन करने के वजह से हमारे अंदर प्यास जागृत होती है उसको भोगने की। इसको बोलते हैं द ट्रायंगुलर डिजायर्स। तो उसी प्रकार से आपने जो कहा, हाँ वो सही है कि चैतन्य महाप्रभु ने जो हरिनाम का अनुभव किया और उसके पश्चात वो अनुभव जो उन्होंने अपने पार्षदों को दिया, तो गुरु परंपरा है क्या? सारे गुरु जो हैं वो अपने साधना का अनुभव अपने शिष्यों को देते हैं। तो हमारे लिए हैं श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के अनुयायी। तो जब हम इनको देखते हैं कि इन्होंने जो महाप्रभु की कृपा जो उन्होंने अनुभव किया, इसलिए हमारी परंपरा क्या है? एज इट इज़ की परंपरा है। वो सब अनुभव एज इट इज़ नीचे धरोहर के रूप में दिया जा रहा है। तो हाँ, जैसे कोई प्रोडक्ट है, अगर हमें उस प्रोडक्ट के बारे में रुचि जागृत नहीं हो रही है तो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज क्या करते हैं? वो लोग किसी बड़े अभिनेता अभिनेत्री को लाते हैं और वो कहते हैं मैंने थम्सअप पिया और मेरे अंदर जोश आया। तो फिर हम देखते हैं, अरे ये पी रहा है, जोश आ रहा है इसके अंदर, तो चलो मैं भी ट्राई करते है ना। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद आकर बोले, वो बोले मैंने हरिनाम लिया और मैं भाव विभोर अवस्था में चला गया। तो हम हरिनाम को डायरेक्टली नहीं जानते होंगे, लेकिन जब श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं तो फिर हमारे अंदर वो प्यास जागृत होनी चाहिए। और केवल श्रील प्रभुपाद नहीं, कितने सारे यदि
हरिनाम का आस्वादन कर कर अपना अनुभव बता रहे हैं, तो उसके अंदर 1% की तो सच्चाई होगी हम उसको आजमाने के लिए। और फिर ये बात इतिहास गवाह है, और मैं निसंकोच बोल सकता हूँ कि जिसने जाने अनजाने में भगवान का नाम ले लिया, उसे चाहे वो अनुभव न भी मिले, परंतु अंततः भगवान उस व्यक्ति को भगवत धाम ले जाए बिना छोड़ने नहीं वाले। आपने नाम लिया है भगवान का, बस तो आप निश्चिंत रहिए, अभी चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, कभी ना कभी अब आप उनकी लिस्ट में चले गए हैं, दर्ज हो चुके हैं, और वो आपको छोड़ने नहीं वाले। लेट हो गया अभी बहुत। वो एक ही अर्थ है, भगवान का अवतार लेना और भगवान का प्रकट होना, वो एक ही बात है। और उससे ज़्यादा हमें ये समझना है कि भगवान का प्राकट्य और भगवान का अवतरण वो हमारी तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारी तीव्रता कितनी है, यदि इस क्षण हम तीव्रता से भगवान के नाम को लेते हैं, भगवान से याचना करते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से हमारी जिह्वा पर, जो कि मरुस्थली बताई गई है, उस जिह्वा पर भगवान एक बहुत शीतल और मधुर जल के रूप में, हरिनाम के रूप में प्रकट होकर, अवतरित होकर हमारा उद्धार व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। तो भगवान का प्राकट्य है, भगवान का अवतरण है, ये सब हमारी तीव्रता के ऊपर निर्भर करता है, खासतौर पर इस कलयुग में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमान गौरांग महाप्रभु की जय। ताय गौर प्रेमानंदी। श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु की जय। प्रभु जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, गौर पूर्णिमा का प्रिपरेशन वो एक दिन पहले करवा लिए हमसे, ताकि कल का दिन जो है हम सही चेतना में बिता पाए और चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर पाए। सारे माताओं से अनुरोध है, कल शाम को अभिषेक के पहले आप भोगा लेके आ सकते हैं श्री गौरांग महाप्रभु के लिए, ताकि महाप्रभु को महाभोग अर्पण कर सके। और कल 24